नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिला संगनी ग्रुप ने भी कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया, जहां माखन चोर नंद किशोर बंधी है जिससे प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी पूजती जिसको दुनिया सारी, आओ कान्हा की गुड़ गाएं हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं। बस इसी आकांक्षा को मन में सजाए संगनी ने गीत और नृत्य भजन कर अभूतपूर्व प्रदर्शन कर जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर स्मिता श्रीवास्तव जो कि संगनी महिला ग्रुप की अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे ही श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग सिर्फ गोकुल धाम में ही नहीं चहु दिशा गुजरित है। ऐसे में संगनी ने ही अपने आंगन में कन्हैया के विविध रूपों की झांकियां प्रस्तुत की, वह निसंदेह प्रशंसनीय है। संगनी महिला के आशियाना के अध्यक्ष श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने अपने सदस्यों और भाग लेने वाले अपने सभी नन्हे मुन्ने कलाकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जन्माष्टमी का उत्सव व संगनी के सभी सदस्य तथा बाल कलाकारों को सहयोग अभूतपूर्व था। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कृष्ण और राधा की झांकी बस भी और बधाई के संदेश मेरे दिल को छू गए हैं, इसके लिए मैं बहुत गर्व और महसूस कर रही हूँ। साथ ही फिर से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर कानपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया गया। बच्चों की कुछ तस्वीरें हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखा रहा है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट।